सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा जैगवार फाइटर्स की फ्लीट को काफी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से डी कमीशन जैगवार फाइटर्स के एयर फ्रेम्स और इनके स्पेयर पार्ट्स के पहले लॉट की डिलीवरी जल्द ही होने की उम्मीद है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारत सरकार ने पुराने हो रहे जैगवार फाइटर्स की फ्लीट को थोड़े लंबे समय तक बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से डी कमीशन जैगवार फाइटर्स के एयर फ्रेम्स और उनके स्पेयर पार्ट्स को खरीदने का फैसला लिया था और इन देशों में फ्रांस, यूके और ओमान जैसे देश शामिल थे। और इस फैसले के तहत फ्रांस इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर फ्लीट के लिए करीब 31 एयर फ्रेम्स को डिलीवर करेगा और जबकि यूके और ओमान जैगवार फाइटर्स के दो दो एयर फ्रेम को डिलीवर करेंगे। और जहाँ एक तरफ भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स के इन जैगवार फाइटर्स के अपग्रेडेशन पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस जैगवार फाइटर्स से होने वाले हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसा ही हादसा अभी हाल ही में बुधवार को गुजरात के जामनगर एयरबेस में हुआ है, जब इंडियन एयरफोर्स का जैगवार फाइटर अपनी लैंडिंग के दौरान रनवे से स्किड हो गया है। हालांकि इस हादसे में पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और पायलट फाइटर से सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा है। और इस फाइटर एयरक्राफ्ट के पायलट का कहना है कि जब वे अपनी नाइट सॉर्टी को कंप्लीट करके लैंड करने लगे तब उन्होंने देखा कि फाइटर के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है और इसी वजह से पायलट को इस एयरक्राफ्ट को एक इमरजेंसी लैंडिंग के तहत लैंड कराना पड़ा, जिस वजह से एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसका पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा है और इसीलिए ऐसे में भारत सरकार इन जैगवार फाइटर्स के मॉडिफिकेशन को लेकर जो भी काम कर रही है उसे भारत सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। रशियन एम्बेसडर टू इंडिया निकोलाई कुदरसेव का कहना है कि अमेरिका का कैट्सा कानून भारत और रशिया के बीच होने वाली चार फ्रिगेट्स और क्लस्निकोव राइफल्स की डील पर कोई भी असर नहीं करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि ये एग्रीमेंट अगले 2 से 3 महीनों के अंदर साइन किए जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रशिया अपने मिलिट्रीज के बीच एक लॉजिस्टिक पैक्ट को अंतिम रूप दिए जाने पर भी विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने इस आरोप को भी खारिज किया है कि कैट्सा कानून की वजह से भारत और रशिया के बीच होने वाली फ्रिगेट्स की डील में लंबा समय लग रहा है। और उनका कहना है कि चार स्टेल्थ फ्रिगेट्स की डील को इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें अभी कई सारे प्रोसीजर इश्यूज शामिल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये डील अगले 2 से 3 महीनों के अंदर साइन कर दी जाएगी। और रशियन इनवॉइस की तरफ से ये कमेंट तब आया है जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही कैट्सा कानून को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगेंगे या नहीं इसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के सामने परमाणु परीक्षण को बैन करने के लिए एक बाइलेटरल अरेंजमेंट का प्रस्ताव रखा है। और यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर फारूक आमिल का कहना है कि साउथ एशिया में शांति और स्थिरता तब तक कायम नहीं हो सकती है जब तक कि अंडरलाइंग डिस्प्यूट्स को सुलझाया ना जाए। और उनका कहना है कि इसके लिए कन्वेंशनल फोर्सेस के बीच एक बैलेंस को कायम करना बहुत जरूरी है। खैर, पाकिस्तान की तरफ से आया ये प्रस्ताव थोड़ा हैरान करने वाला तो जरूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में ये चाहता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, क्योंकि भारत तो हमेशा से ही शांति और स्थिरता को कायम रखने की कोशिश करता आया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कहने और करने में हमेशा से बहुत फर्क रहता है और इसलिए अभी इसको लेकर कुछ और नहीं कहा जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जरूरी अपडेट देना चाहेंगे कि डिफेंस रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारियों के लिए हमने अपनी पहली ईबुक को लॉन्च कर दिया है। और आप सभी सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए, जो भी पहले 1000 सब्सक्राइबर्स इस ईबुक को प्राप्त करेंगे उन्हें ये ईबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इस ईबुक को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इसे बाय कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने इस वीडियो के आई बटन में एक पोल भी दिया है जिसके माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि भविष्य में आप डिफेंस रिलेटेड किस एग्जाम किस टॉपिक पर ईबुक लेना पसंद करेंगे। रशियन ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान के साथ रशिया के संबंधों को लेकर भारत को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और अगर रशिया पाकिस्तान के साथ कोई संबंध जोड़ता है तो वो केवल क्षेत्रीय स्थिरता को कायम रखने के लिए रशिया की तरफ से केवल एक योगदान होगा। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि भारत के साथ हमारा रिश्ता एक बहुत ही लंबा और बहुत ही पुराना है और हम भारत को दांव पर रखकर पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं करेंगे जिससे भारत को चिंतित होने की जरूरत पड़े, क्योंकि भारत और
और रशिया का रिलेशन एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ये एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन है। डसॉल्ट एविएशन के सीईओ का कहना है कि रफेल डील में 10% ऑफसेट इन्वेस्टमेंट शामिल है और उनका कहना है कि हम 100 इंडियन कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिनमें से 30 कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप पहले से ही कंफर्म है। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस रफेल डील में शामिल ऑफसेट प्लान के तहत 2 प्रमुख प्रस्ताव भी भारत में आ सकते हैं, जिनमें 2 प्रमुख मिसाइल सिस्टम्स की फाइनल असेंबली को भारत में मूव किए जाने की संभावना है और साथ ही कुछ सब्सटेंशियल पार्ट्स को भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।